हेलो और नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए आप सबका धन्यवाद आप सब से निवेदन है रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पेश है फिल्म रिव्यू करतम भुक्तम कलाकार है श्रेयस तलपड़े विजय राज मधु अक्षा परतसानी और आदि डायरेक्टर स्क्रीन राइटर है सोहम पी शाह यह एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है करतम भुक्तम विश्वास किस्मत और मानवीय भावनाओं की एक कहानी है फिल्म का सार यही है कि जो करोगे वो भुगतोगे यह एक घिसी पिटी फॉर्मूला फिल्म है बहुत सरदर्द और साधारण से भी बेकार टाइप फिल्म है यह अब हमारा ओपिनियन ऐसा क्यों है तो उसके लिए वीडियो को तक पूरा देखिएगा यह सब जानकारी देने के बाद दोस्तों यहाँ हम देना चाहते हैं एक स्पॉइलर अलर्ट अब इसके आगे हम क्रिटिसाइज एनालाइज एक्सप्लेन इवेल्युएट डिस्कस करेंगे इस फिल्म का कहानी उसके कैरेक्टर प्लॉट एंगल मेन इवेंट्स ट्विस्ट टर्न्स स्टोरी डेवलपमेंट प्लेसेस आदि की बातें करेंगे दोस्तों इसके साथ ही यहाँ हम देना चाहते है कॉपीराइट डिस्क्लेमर चैनल और वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आए इसलिए हम फिल्म के सीन या फुटेज ज्यादा नहीं दिखा सकते तो कैसी है ये फिल्म आइए थोड़ी बात करते हैं इस फिल्म में क्या अच्छा है क्या ख़राब है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है क्या ये फिल्म आपको एंटरटेन करती है या नहीं क्या ये फिल्म बिंज वॉच है या नहीं और क्या इस फिल्म के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्दी है भी या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं जैसी करनी वैसी भरनी जो बोगे वही काटोगे यह और ऐसी कई कहावतें भारतीय जनमानस में हमेशा से मशहूर रही हैं धर्म को आधार बनाकर आम आदमी को किस तरह से धोखा दिया जाता है श्रेयस तलपड़े और विजयराज की फिल्म करतम भुक्तम इसी की कहानी है फिल्म की कहानी देव श्रेयस तलपड़े की है जो न्यूजीलैंड से दस साल बाद वापस अपने घर भोपाल लौटा है श्रेयस तलपड़े के पिता की कोविड के दौरान मौत हो चुकी है इनसे नहीं मिल पाने का उसे अफसोस है श्रेयस तलपड़े अपने पिता की भोपाल की करोड़ों की जायदाद को बेचकर वापस न्यूजीलैंड में जाकर अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहा है न्यूजीलैंड में अपनी गर्लफ्रेंड जिया आक्षा को वे कुछ दिनों में वापस आने का वादा करके आया है लेकिन चीजें उस हिसाब से नहीं होती हैं जैसे वह सोचकर आया था के प्रॉपर्टी बेचने के काम में एक के बाद एक रुकावट आने लगती है और हफ्ते महीने में बदल जाते हैं हताशा श्रेयस तलपड़े को ज्योतिष अन्ना विजय राज के पास पहुंचा देती है और धीरे धीरे चीज़ें ठीक भी होने लगती है श्रेयस तलपड़े का विश्वास अन्ना पर इस कदर बढ़ जाता है कि वह अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है श्रेयस के साथ कुछ धोखा भी होता है उसका क्या खामियाजा श्रेयस तलपड़े को चुकाना होगा और क्या अन्ना के कर्मों का भी उसे फल मिलेगा यही इस फिल्म का मूल मूल सारांश है फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वह बहुत साधारण और बेकार है फिर भी क्लाइमैक्स और एंडिंग बताकर हम आपका मज़ा खराब नहीं करेंगे दोस्तों कहानी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल बन गई है जैसे जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह धोखे के बाद रिवेंज ड्रामा में बदल जाती है यह एक थ्रिलर फिल्म है लेकिन रहस्य रोमांच कहानी से गायब है फिल्म का स्क्रीन पे बहुत कमजोर रह गया है लॉजिक गायब है गौरव के कैफे में लाश दिखाने के लिए कोविड में मिली बॉडी को आसानी से बताकर दिखा दिया गया है और उसके बाद के एक तो सीन में लोगों को मास्क पहने दिखा दिया गया है लेकिन उसके बाद से मास्क लोगों के चेहरे से पूरी तरह से गायब है जबकि सात दिनों के अंतराल में ही सेकेंड हाफ की पूरी कहानी को घटते दिखाया है अन्ना और उसका परिवार जिस तरह से इंदौर के दंपति और उसके परिवार को मार देता है वह सावधान इंडिया के एपिसोड सा लगता है फिल्म में कानून का कुछ लेना देना नहीं है चाहे भारत हो या फिर मरिशियस रहस्य रोमांच रॉन्डर वाली इस फिल्म की कहानी पूरी प्रेडिक्टेबल है कई बार लगता है कि हम क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया की कहानी को देख रहे हैं अन्ना की पत्नी सीमा मधु का बार बार पानी पी लो चाय पी लो का राग देव की पार्टनर जिया अक्षा परदासनी का वीडियो कॉल काफ़ी रिपटेटिव हो गया है उस पर फिल्म का कमज़ोर प्रोडक्शन वैल्यू मज़ा किरकिरा करता है फिल्म में कई सवाल भी अनसुलझे रह जाते हैं सेकेंड हाफ के बाद तो फिल्म बहुत खींची हुई बोरिंग और बेकार लगने लगती है रोमांस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती बस अब यह देखना रह जाता है कि क्या श्रेयस तलपड़े का कैरेक्टर इस सब झंझट और झमेले से बाहर निकल पाएगा या नहीं फिल्म का एंडिंग भी बहुत विचित्र सा है और इस कारण बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहता है एक्टिंग में भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप जुड़ाव महसूस करें हम इस फिल्म को देखने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते फिल्म में बहुत सारा अंधविश्वास रूढ़िवादी बातें दकियानूसी बातें बढ़ा चढ़ा दिखाई गई है एक प्रकार से हिंदू धर्म पर बिना बात के व्यंग्य और आरोप लगाए गए हैं ज्योतिष में भविष्य बता पाने का कितना दम है जवाब एक ही है कि ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता और नहीं जो विधि ने लिखा है उसे बदल सकता है ज्योतिष सिर्फ सही समय पर सही दिशा में सही प्रयास करने के लिए किसी व्यक्ति को तैयार रख सकता है और उन गलतियों को लेकर सजग रहने की सलाह दे सकता है जो ग्रह दशा ठीक न होने पर इंसान कर बैठता है ज्योतिष मनोरंजन का साधन नहीं बन सकता फिल्म का सबसे कमजोर बात तो इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले ही है जो बहुत हद तक दर्शकों के लिए एक बुरा एक्सपीरियंस बन जाता है हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं आपने यह फिल्म को देखा हो तो आपको कैसे लगा आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हमारे अन्य वीडियो भी देखे चैनल ऐसी जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों एक जरूरी मैसेज संदेश सिगरेट और शराब के नशे ऐसी दूर रहे अपने परिवार और दोस्तों को भी सिगरेट शराब के नशे से दूर करें और भारत को नशा मुक्त बनाएं जय हिंद